फ्रेंड्स वेलकम बैक टू सिम डिजाइन। तो दोस्तों आज एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके हूं। आज का जो वीडियो है इस वीडियो में आप देख पा रहे हो जो मेरा शीट मेटल डाई डिजाइन जो है, शीट मेटल की जो आप क्वालिटी में काम करते हो, शीट मेटल में आप प्रोडक्शन में काम करते हो या शीट मेटल आप डिजाइन के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि वीडियो में मैं सारा चीजें बताने वाला हूँ। ऑलरेडी जो मेरा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जिसने इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन वगैरह पूछा गया, तो ये सारा 4-5 जो क्वेश्चन पेपर है उसको लेके सारा मैं जो क्वेश्चन है उसको पुट करके जो है एक वीडियो बना रखा हूँ। ऑलरेडी एक और वीडियो है जो इसको भी नहीं पता वो वीडियो देख ले, उसमें भी बहुत सारा टॉपिक्स है जो एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, वो वाला वीडियो भी जाके देख ले, वहाँ पे भी आपको बहुत सारा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत सारे आंसर्स है, न्यूमेरिकल्स है, कैसे निकालते हैं, जो सारा चीजें वहाँ पे भी बना कर रखा हो। अगर ये वीडियो देख के अगर आपको क्वेश्चंस कॉमन नहीं मिलता है तो आप जो है चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। ये वीडियो देखने के बाद आपकी जॉब लगने की चांसेस जो है 101% से मेरे तरफ से एश्योरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है शीट मेटल होता है उसमें होता क्या, ठीक है, या कहाँ पे यूज होता है, तो ये जो ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन है आपको पहले वाले वीडियो में मिल जाएंगे। तो ये वाला वीडियो है बेसिकली जो क्वेश्चंस होता है जो इंटरव्यू में पूछा गया है तो उसके रिगार्डिंग है, जो ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है तो इसके ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहला जो वीडियो हम स्लाइड जो हम उसमें आते हैं तो सबसे पहला होता है वाकिस प्रेस टूल। ठीक है, तो प्रेस टूल होता क्या है बेसिकली, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन आपको रटना नहीं है, उसको समझना है, क्योंकि मेरा जितना भी सारा वीडियो है तो यहाँ पे आप देखोगे आगे जितना भी है मैं यहाँ पे इमेज के साथ बता रहा हूँ। जैसे आप इमेज के साथ पढ़ते हो तो क्या होता है दिमाग में एक जो आपके सभी बैठ जाती है, तो सभी बैठने के बाद वो चीजें आप इजी से समझ सकते हो और अच्छे से रिमेम्बर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम प्रेस टूल देखते हैं, प्रेस टूल मेटल फॉर्मिंग मेटल टूल्स डिजाइन टू कट मेटल और शेप, मतलब ऐसा होता है एक हम लोग क्या होता है मेटल टूल होता है जिसको मेटल को काटता है या शेप करता है, काटता भी है ना, पंचिंग में काटती है, काटता होता है, स्टैंपिंग में क्या होता है शेप देता है, तो अलग अलग ऑपरेशन के लिए होते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं मेटल टूल होता है जिसको मेटल को काटता है और शेप देता है बाय अप्लाइंग मैकेनिकल फोर्सेस। हम किसी से हाइड्रोलिक से दे सकते हैं, न्यूमेटिक से दे सकते हैं, मैकेनिकल प्रेस से कर सकते हैं, तो किसी प्रेस के थ्रू जो मैकेनिकल फोर्स होते हैं हम मेटल को काटते हैं या शेप देते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेस टूल। ठीक है, तो इसको समझ लेना किस तरीके से आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि जो मैं आपको लैंग्वेज बता रहा हूँ उसमें लिखना है, आप अपना लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते ही है, ऑलरेडी आया है, तो इसके ऊपर मैं आप लोग को अलग से क्वेश्चन आंसर लेके आओ। तो दूसरे चीज में आते हैं व्हाट इज द सुइटेबल हार्डनेस ऑफ डाई एंड पंच पंचिंग एंड ब्लैंकिंग टूल। जो आप पंचिंग टूल बनाते हो, ब्लैंकिंग टूल बनाते हो, पंचिंग टूल क्या होता है, ब्लैंकिंग टूल क्या होता है, पियर्सिंग टूल क्या होता है, बेंडिंग टूल क्या होती है, फॉर्मिंग टूल क्या होता है, ये सारा टूल के बारे में जानना है तो मैंने वीडियो दिया हूं ना, लिंक में मिल जाएगा, उसमें चले जाओ सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला जो है एकदम जीरो से है वो जरूर देख लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है पंचिंग और पंचिंग जो आपकी डाई है, ठीक है, तो उसमें डाई और पंच जो होती है उसकी क्या हार्डनेस रहता है। देखो ब्लैंकिंग के लिए थोड़ा सा कम ज्यादा होता है, पंचिंग के लिए थोड़ा सा कम ज्यादा होता है, तो यहाँ पे अगर हम मिनिमल बात करें, स्विटेबल अगर बात करें ना, तो 58 से 60 होता है। तो ये पूछते इंटरव्यू में दिमाग में रख लेना, 58 से 60 होता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड में हम आते हैं उसके बाद व्हाट इज द फिफ्थ यूज फॉर प्रेस टूल। देखो अगर मैं आपको बताऊं कि पंच और पंच होल्डर के बीच में क्या टॉलरेंस होता है आपको पता लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जितना भी है डवेल भी यूज करते हो, डवेल क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछता है, इसके आगे जो है अलग से आपको स्लाइड मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो पंच है, पंच प्लेट कौन सा है, स्टेपर प्लेट कौन सी है, पहले हम देखते हैं। यहाँ पर आपको समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बना रखा है, ठीक है, ये आप इमेज देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं शंख, ये आपका टॉप प्लेट हो गया, ठीक है, ये आपका प्रेस प्लेट हो गया, ये आपका पांच शोल्डर हो गया, ये आपका पांच हो गया, ये आपका स्टीपर प्लेट हो गया, ये आपका डाई प्लेट हो गया, ये बॉटम प्लेट हो गया। ठीक है, अब देखो अब जो आपका पंच है और जो पांच शोल्डर है दोनों के बीच में कौन से टॉलरेंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तभी ये आप डिजाइन करते हो ना, डिजाइन वालों के लिए और असेंबली वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो डिजाइन से है असेंबली से है, ये सारा चीजें रट लो यार, दिमाग में घुसा लो। जो होता है ना देखो एच होता है होल के लिए, ठीक है, के होता है शाफ्ट के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे एच कैपिटल में होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता H7K6 का वैल्यू क्या है आप गूगल कर सकते हो, अगर फिर भी नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, इसके ऊपर जो है मैं एक शार्ट डाल दूंगा, तो इसमें H का जितना भी टॉलरेंस होगा, K की जितना भी टॉलरेंस होगा, वो आपको मैं अलग से एक शार्ट डाल दूंगा। ठीक है, वहां पे आप PDF को जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो पंच और जो होल्डर होता है, पंच होल्डर इसके बीच में होता है H7K6, पंच और स्टीपर प्लेट, ये मेरा पंच हो गया और स्टीपर प्लेट ये वाला हो गया, तो दोनों के बीच में जो टॉलरेंस होता है H7K6। ठीक है, गाइड पिलर गाइड बुक्स H7G6 ये सबको पता है। ठीक है, इंजेक्शन मोल्डिंग में भी यही आते हैं आपका गाइड पिलर और गाइड बुश के बीच में, गाइड बुश एंड टॉप प्लेट का कितना होता है H7 आपके P6 होता है। अब P का वैल्यू होता है, P का जो टॉलरेंस होता है ना, ये P जो है उसका वैल्यू होता है। ठीक है,
राइट पिलर एंड बॉटम प्लेट H7P6, ठीक है, डबल प्लेट डबल एंड प्लेट के बीच में H7M6 होते हैं, M का अलग वैल्यूज होता है, 6 का अलग रेट आती है, ठीक है, डबल होल्स का कितना है H7M6, तो ये रख लेना, अगर लिखना है तो लिख लेना, आपको अगर ये पीपीटी चाहिए तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ पायलट, पायलट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप प्रोग्रेसिव टूल करते हो ना, जब आप प्रोग्रेसिव टूल बनाते हो जो थोड़ा सा एडवांस लेवल में जा रहा है, जो इसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस पोस्ट के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे पायलट वगैरह जो है क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले ही कर रखा है जो इन प्रोग्रेसिव टूल, मतलब प्रोग्रेसिव टूल में ये यूज होता है एज ए लोकेटिंग टूल, लोकेटिंग मतलब ये लोकेट करता है, बेसिकली दो टाइप का पायलट होता है, एक डायरेक्ट पायलट होता है, एक इनडायरेक्ट पायलट होता है, तो ये क्या काम करता है, लोकेट करता है, जैसे ये पांच होता है ना, ये पांच प्यार्स करता है, ठीक है, जैसे पांच प्यार्स करता है होल में इन वन स्टेशन इन प्रेस साइकिल, एक प्रेस साइकिल में जैसे एक बार ये पार्स करता है मतलब काटता है ना, तो ये क्या करता है, इन द प्रेस साइकिल डाई एंड मेटेरियल मूव टू द नेक्स्ट साइकिल, तो डाई और आपका मेटेरियल होता है ना वो नेक्स्ट साइकिल तक ले जाता है, तो ये क्या करता है पायलट जो क्या करता है उसको नेक्स्ट साइकिल में ले जाता है। तो पायलट लगाने का फायदा क्या है, ये जो आपका ओवर फीडिंग होती है, जब आप प्रोग्रेसिव टूल में फीडिंग देते हो ना, कभी कभी ओवर फीडिंग होता है, मान लो कभी 0.5 mm 1 mm एक्स्ट्रा आगे निकल जाता है, या अंडर फीडिंग होता है या कम होता है, ठीक है, उसको क्या करता है ये कंट्रोल करता है प्रॉपर वे में, तो जो ओवर फीडिंग होता है जो अंडर फीडिंग होता है ना उसको मेंटेन करता है, और बकलिंग करता है, बकलिंग क्या होता है, ये जो प्रिवेंट बकलिंग, बकलिंग होता है क्या होता है, आपका जैसे ओवर फीडिंग हो रही है उसमें कभी ऊपर से आप कटिंग करते हो तो वहां पे क्या होगा, इरेगुलर जो आपका सर्फेस होता है ना, आपका जो स्क्रिप्ट का सर्फेस होता है ना, वो ऐसे वेव सा बन जाता है, मतलब इरेगुलर शेप में बन जाता है, उस बकलिंग को प्रिवेंट करता है कौन, पायलट। तो पायलट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ऑलरेडी प्रोग्रेसिव टूल का वीडियो बनाया हूँ ना, तो वहां पे देखोगे आप जो है मैं पायलट पिन यूज कर रखा हूँ, ठीक है, पायलट पिन का जो मैं कलर दे रखा हूँ मैजेंटा कलर का मैं दे रखा हूँ, अगर आप जाके मेरा प्लेलिस्ट देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कैसे बनाते हो, क्योंकि जो मैं सीधे करा रहा हूँ प्रैक्टिकली करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इंटरव्यू क्वेश्चन करवा रहा हूँ और इंडस्ट्री के हिसाब से करा रहा हूँ, इसको भी ट्रेनिंग वगैरह क्लासेस है नंबर मेंशन है, तो जो भी डिजाइन सीखना चाहते हैं नंबर मेंशन है, वो जाके कॉन्टेक्ट कर सकता है, ठीक है। और क्या करता है, स्ट्रिप डिस्टोर्शन करता है, जो स्ट्रिप की जो डिस्टोर्शन होता है ना उसको कंट्रोल करता है ये। अभी बात करें दो टाइप का पायलट है, एक इनडायरेक्ट पायलट है एक इनडायरेक्ट पायलट है, अब डायरेक्ट पायलट जो होता है ना आपका, ये क्या होता है स्ट्रिप के अंदर रहता है, ये स्ट्रिप के अंदर रहता है, लेकिन मैंने जो प्रोग्रेसिव टूल बनाता हूँ ना मैं इनडायरेक्ट पायलट यूज करा हूँ। इनडायरेक्ट पायलट कहाँ होता है, जो कंपोनेंट होता है ना स्ट्रिप के बाहर नहीं, एक्चुअली कंपोनेंट के अंदर होता है डायरेक्ट, और जो इनडायरेक्ट पायलट होता है वो कंपोनेंट के बाहर देते हैं हम। जो मैंने आपको प्रोग्रेसिव टूल सिखाया है, स्ट्रिप लेआउट बनाया है, उसमें आप देखोगे जो मेरा मैजेंटा कलर का जो मैं पायलट पिन यूज कर रखा हूँ वो मैं कहाँ यूज कर रखा हूँ, वो मैं बाहर यूज कर रखा हूँ, मतलब कंपोनेंट के बाहर, कंपोनेंट के बाहर है लेकिन स्ट्रिप के अंदर है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पूछ सकता है कि पायलट कितना टाइप का है, दो टाइप का, क्या डिफरेंस होता है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो ये क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको पायलट पिन के बारे में पता लग गया लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, पायलट पिन के भी टाइप्स होता है, अब कौन सा पायलट कौन सा होता है कैसे पता लगेगा आपको, तो ये तरीका है, इसको आप इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे ना, जैसे कैसे होता है ना, देखो आपको मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ, कभी कभी चीजें क्वेश्चन पूछता है ना आपको, तो क्वेश्चन के अंदर और क्वेश्चन पूछता है, तो आपको पता लग जाता है, जो इंटरव्यूअर होता है ना उसको पता लग जाता है आपको कितना नॉलेज है। तो कभी भी एक चीजें पढ़ते हो ना उसको एक लाइन में खत्म ना करो, उसके साथ दो तीन लाइन एक्स्ट्रा लेके चलो, तो इसमें क्या होता है, जो इंटरव्यू होता है ना डीपली पूछते जाते हैं ना तो आपके बारे में पता लग जाता है, तो आपके बारे में ये पता लग जाता है उस बंदे को नॉलेज कितना होता है। तो कुछ भी क्वेश्चंस पढ़ते हो ना उसके साथ दो तीन एक्स्ट्रा लाइन पढ़ के जाओ, उसमें क्या होता है जैसा आप दो तीन एक्स्ट्रा लाइन के आंसर देते हो ना तो उसको लगता है हाँ इस बंदे को नॉलेज है, तो ये चीजें दिमाग में लेके आप चलते जाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज लैंड इन प्रेस टूल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लैंड। अब लैंड हम देते हैं लैंड और एंगुलर, ठीक है, लैंड और जो होता है अपना एंगुलर क्लियरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैंड क्या होता है, अगर आपके शीट की थिकनेस 3 mm तक है तो ये जो लैंड है ना ये स्ट्रेट होता है, जब आप पंचिंग टूल पर से पांच चलाते हो ना तो यहाँ पे लैंड देते हैं, कभी कभी सीधा लोग डायरेक्ट एंगल दे देते हैं, है ना, 1.5 का जब एंगुलर क्लियरेंस होता है तो हम जो है लैंड देना पड़ता है। अगर शीट की थिकनेस 3 mm है, अप टू 3 mm, 3 mm से अगर कम है या 3 mm तक है तो 3 mm का लैंड देना पड़ता है, ठीक है। जब मैं शीट में जल दाई कराता हूँ ये सब चीजें सिखाता हूँ, डिजाइन में लैंड क्या होता है, एंगुलर क्लियरेंस कितना डालना पड़ता है, ये सब सारी चीजें सिखाता हूँ, ठीक है। जिसको भी सीखना है नीचे नंबर मेंशन दे, वहाँ पे जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो, तो प्रैक्टिकली चीजें सिखाता हूँ, ऐसे कुछ चीजें नहीं होता है, जो चीजें कराऊंगा प्रैक्टिकली कराता हूँ टॉलरेंस वॉलरेंस के साथ। अब देखो जो थिकर मेटेरियल होती है, इसका मेटेरियल की थिकनेस ज्यादा होता है शीट की, वो क्या होता है थिकर मेटेरियल के लिए इक्वल टू द शीट थिकनेस, शीट थिकनेस 3 mm से ज्यादा होगा ना जो थिकर मेटेरियल होती है, तो शीट थिकनेस इक्वल होता है,
ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केस में हम 3 mm लेके चलते हैं, 3 से 5 mm लेते हैं, लेकिन 3 mm आपको लेके चलना होता है, ठीक है। तो 3 mm आप लेके चल सकते हो। लेंथ पता लग गया, ये डायग्राम बना के दिखा देना अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है। और ये वाला जो मैंने बताया 40 mm मटेरियल इक्वल टू द शीट थिकनेस एंड शीट थिकनेस अप टू 3 mm, लेंथ इज 3 mm, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, व्हाट इज एंगुलर क्लियरेंस, ठीक है। एंगुलर क्लियरेंस क्या होता है पता है, अगर आपकी शॉप मेटेरियल होता है, ये देखो आपका एंगुलर क्लियरेंस 1.5 डिग्री का हम एंगुलर क्लियरेंस डालते हैं, ठीक है। देखो जनरली 1.5 डिग्री ऑफ एंगुलर क्लियरेंस इज एस पर साइड, पर साइड हम एंगुलर क्लियरेंस 1.5 करते हैं। इसको हम कैसे करते हैं, इसको तो आप क्या करते हो, इसका जो होता है ना वायर कट करवाते हैं हम लोग, आपको पता होगा, ठीक है। ये सब चीजें जो होती है ना, वायर कट ड्रॉइंग बनाना पड़ता है, वायर कट डिटेलिंग करना पड़ता है। आपको पूछ सकता है जो एंगुलर क्लियरेंस, इसको मशीनिंग कैसे करोगे, उसको मशीनिंग करोगे। अगर रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है तो उसमें एंगुलर क्लियरेंस आपने 1.5 दे रखा, उसको मशीनिंग कैसे करोगे उसके। देखो ये चीजें होती है, एक के साथ 2-3 लाइन और समझना है, जब आप उसको एक के साथ 2-3 लाइन और समझोगे ना, तो इंटरव्यूअर को पता लग जाएगा उस बंदे को नॉलेज है, ठीक है। अब व्हाट इज एंगुलर क्लियरेंस, ठीक है, उसमें हम कितना लेते हैं, 1.5 क्यों लेते हैं, कि मेटेरियल आराम से पंचिंग होने के बाद नीचे ड्रॉपआउट हो जाए, ठीक है। यूजुअली फॉर सॉफ्ट मेटेरियल, सॉफ्ट मेटेरियल मतलब कौन सा होता है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, क्या होता है सॉफ्ट मेटेरियल होती है, उसमें हायर एंगुलर क्लियरेंस चाहिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हार्ड मेटेरियल में क्या होता है, लो चाहिए, मतलब एंगुलर क्लियरेंस कम रखना होता है, सॉफ्ट मेटेरियल में ज्यादा रखना होता है, ठीक है। तो ये जो होता है जैसे स्टेनलेस स्टील क्या होता है, हार्ड होता है, इसमें एंगुलर क्लियरेंस क्या होगा, कम होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, इस तरीके से आप चीजों को समझो, ये डायग्राम समझ लो एक बार, क्योंकि डायग्राम से समझाता हूं ना तो आपको लोगों को ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज हॉट रोलिंग एंड कोल्ड रोलिंग। देखो हॉट रोलिंग और जो कोल्ड रोलिंग होता है, एक रोलिंग प्रोसेस होता है शीट मेटल का, ठीक है। ये डिपेंड, ये जो चीजें होती है ना, ये काम करता है आपका रिक्रैस्टलेशन टेम्परेचर होता है। रिक्रैस्टलेशन टेम्परेचर मतलब क्या होता है, एक टेम्परेचर होता है जो मेलिंग टेम्परेचर, उसके बाद जो है ये जो ग्रेन्स होता है ना, जो मोलिकुल्स होता है, उसमें ब्लिंक, जो ब्लिंक होता है ना, लिंक से जुड़ा रहता है, एक दूसरे से लिंक से जुड़ा रहता है, वो लिंक का ब्रेकेज होने लगता है। अब क्रिस्टलेशन और ग्रेन्स में डिफरेंस क्या है, देखो अगर ग्रेन अगर सोता है ना, अगर मोलिकुल्स मिलके ही ग्रेन्स बनता है, अगर ग्रेन्स सोता है ना उसको ग्रेन्स बोलते हैं, अगर ग्रेन्स बड़ा होता है ना उसको क्रिस्टलेशन बोलते हैं हम, ठीक है। वो जो प्रोसेस होता है ना, रोलिंग प्रोसेस व्हिच इज कैरी आउट अबव द रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर, अगर जहां से आपकी जो मेटल है वहां पे मेल्ट होना स्टार्ट करते हैं, उससे अगर ऊपर ले जाते हैं हम टेम्परेचर को लेके रोलिंग करते हैं ना, उसको बोलते हैं हम हॉट रोलिंग प्रोसेस, ठीक है। बढ़िया से मैं समझा दिया आपको। इट इंप्रूव डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होता है, किसी चीज को करते हो ना, जैसे वायर होता है उसको डक्टाइल होता है, किसते है डक्टाइल होता है, ठीक है, वो डक्टिलिटी करता है, इंप्रूव डक्टिलिटी। बट क्या होता है, सरफेस फिनिश, देखो आप यहाँ पे सरफेस फिनिश क्या है, एक्यूरेसी क्या है, लेस है, उतना सरफेस फिनिश एक्यूरेसी नहीं मिलेंगे हॉट रोलिंग में। बट कोल्ड रोलिंग में क्या होता है, जो रिक्रैस्टलेशन टेम्परेचर होता है ना उसके बिलो काम करता है, उससे टेम्परेचर के नीचे काम करते हैं, उसमें फायदा क्या होता है, डक्टिलिटी कम होता है। डक्टिलिटी फायदा नहीं है, बुरी चीज है, डक्टिलिटी कम होता है बट सरफेस फिनिश और एक्यूरेसी ज्यादा होता है। तो ये पूछता है कि कोल्ड रनर में क्या फायदा है और क्या डिफेक्ट है, तो ये आप बोल सकते हो, कोल्ड रनर प्रोसेस क्या है उसको बोल सकते हो, एक लाइन के साथ आपको 2 लाइन मिल गया, तो ऐसे समझोगे ना, ऐसे इंटरव्यू में बोलोगे ना तो उसको बंदे को मिल जाएगा, हाँ इस बंदे को नॉलेज है, तो आपको जॉब लगने के चांस 101% आपको बढ़ जाएंगे चांसेस, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट इज स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। देखो स्ट्रेंथ अलग चीज होता है, स्टिफनेस अलग चीज होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी स्ट्रेंथ इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ऑब्वियसली स्ट्रेंथ इज ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी, दैट एनेबल द मेटल टू रेसिस्ट द डिफॉर्मेशन ऑफ लोड, ठीक है। कहीं पे लोड पड़ रहा है वहां पे डिफॉर्मेशन होगा, तो उसको जो रेसिस्ट करता है ना उसको बोलते हैं हम स्ट्रेंथ। किसी मेटल पे हम लोड डाल रहे हैं, लोड की वजह से डिफॉर्मेशन होता है, उस डिफॉर्मेशन को जितना रेसिस्ट करता है ना उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। अब स्टिफनेस अलग चीज होता है, स्टिफनेस क्या होता है, इसे रेसिस्टेंस, स्टिफनेस मतलब क्या करता है, एक फोर्स होता है, फोर्स मतलब एक रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस फोर्स होता है ऑफ ए मेटेरियल, किसी मेटेरियल का एक रेसिस्टेंस फोर्स होता है टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ गया, इलास्टिक डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एनेबल द रेसिस्ट द डिफॉर्मेशन ऑफ लोड, लोड की वजह से। तो यहाँ पे देखोगे ना दोनों में अलग अलग फायदे है। अब इसको मिनिमाइज करने के लिए, आप देखो यहाँ तक आपने समझ गया, अब इसको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब मैं मेटेरियल को जैसे मेरा डिफॉर्म हो रहा है उसको मैं कैसे ठीक करूंगा, क्या लगाऊंगा, उसके लिए आपको अलग अलग जो है एलिमेंट लगाना पड़ता है, जैसे आप रिब्स लगाते हो, ठीक है, तो अलग अलग आप बॉसेस वगैरह डाल सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें जो होती है ना उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए होती है, इसको क्या होता है डिफॉर्मेशन को लंबा और जल्दी और एक्स्ट्रा लोड बेयर कर पाए, तो ये सब चीजें हम दिखाते हैं। अभी मैं आते हैं उस पॉइंट में ही आपके पास, नेक्स्ट पॉइंट में आता हूँ। देखो
यहाँ पे आ गया हाउ टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ शीट मेटल पार्ट्स। अब शीट मेटल जो पार्ट होता है उसको हम स्ट्रेंथ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो अभी मैं बता रहा था ना आपको, जो इससे मेरा मान लो ये पार्ट है ना, ये पार्ट अगर मेरा ये स्ट्रेट होता ना, तो यहाँ पे अगर मैं जैसे इस एरिया में लोड प्रोवाइड करता ना, तो ये बेंड हो जाता। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ लक्ष्य में ऐसे रिप्स दे रखा हो, यहाँ पे स्लॉट्स है, ठीक है, यहाँ पे हमें अलग अलग एलिमेंट ऐड कर रखा हो, इससे वजह से जो कंपोनेंट की स्ट्रेंथ है ना वो ज्यादा हो गया। अब देखो ये मेरा एज है, ये एज फ्लैट है, तो यहाँ पे मैं आराम से बेंडिंग कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने हेम दे रखा है एक, तो हेम की वजह से जो एजेस है ना इसकी जो है स्ट्रेंथ बढ़ गया है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली तरीका, तो किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, बाय बेंडिंग। देखो बेंडिंग से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे हेम लगा दिया बेंडिंग लगा के, तो यहाँ पे ये जो एज है ना, इस एज की स्ट्रेंथ जो है ना बढ़ गया है। नॉर्मल बेंडिंग से यहाँ पे बेंडिंग कर दिया, इसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेम बेंडिंग हो गया, एक नॉर्मल बेंडिंग हो गया, बेंडिंग से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम फॉर्मिंग में, फॉर्मिंग के जैसे हम फॉर्मिंग करते हैं ना, तो ये सब आपको पॉइंट बताना पड़ेगा, बाय बेंडिंग बाय फॉर्मिंग करने से नहीं होगा, आपको ये सब काम जो है ना, नाम जो है ना आपको बताना पड़ेगा इंटरव्यू में। फॉर्मिंग से क्या होगा, रिप्स, जैसे हमने यहाँ पे रिप्स डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ से आप रिप्स डाल देते हैं, लोअर्स कहीं अगर हम लोग इसमें है नहीं, हम लोअर्स डाल देते हैं, लेंस डाल देते हैं, जैसे आप किसी ठकू जिसमें होते हैं ना प्याज बिलाही वगैरह काटते जो है ना, वहाँ पे लेंस लोअर्स वगैरह होता है, तो उस केस में वो सब चीजें क्या होता है, उस सीट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये टैप्स हो गया, ये सब चीजें जो होती है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मतलब अगर ये 100 किलो का 100 न्यूटन की लोड लेता है ना, तो ये 150 तक ले जाएगा ये सब चीजें डालने से, तो इसमें स्ट्रेंथ अच्छा इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं हम, देखो व्हाट इज द मिनिमम लेंस रेंज इन शीट मेटल पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन पेपर में मुझे मिल रखा है। एक फ्लैंज, फ्लैंज क्या होता है, जैसे ये शीट मेटल है ना, यहाँ पे हमने यहाँ पे जो ये चीजें निकल के आ रहा है, हेम को आप भूल जाओ, ये फ्लैट है, ये जो है ना ये फ्लैंज है, ठीक है। तो ये फ्लैंज में मिनिमम फ्लैंज लेंथ कितना होना चाहिए, 4 शीट थिकनेस प्लस इनसाइड बैंड रेडियस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख याद कर लेना, शीट थिकनेस की 4 होगा प्लस इनसाइड जो बैंड रेडियस होगा वो आपको ऐड करना पड़ेगा, ये होता है मिनिमम फ्लैंज रेंज इन ए शीट मेटल कंपोनेंट। नेक्स्ट आता है व्हाट इज के फैक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो मैंने को 4-5 में मिल गया ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। के फैक्टर इज ए कॉन्स्टेंट टू कैलकुलेट द शीट मेटल फ्लैट लेंथ, शीट मेटल फ्लैट लेंथ को कैलकुलेट करने में एक कॉन्स्टेंट की तरह काम करता है, ठीक है। के फैक्टर डिपेंड ऑन मेटेरियल, बैंड रेडियस, शीट थिकनेस, मशीन यूज, ये जो मटेरियल है कौन सी मटेरियल यूज करते हो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, बैंड रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा, शीट थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेगा, कौन सी मशीन यूज कर रहे हो उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो मैथमेटिकली जो हम के फैक्टर को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, के फैक्टर होता है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं ना, तो ये होता है क्या, रेशियो ऑफ न्यूट्रल एक्सिस टू इट्स शीट थिकनेस, वैल्यू ऑफ के फैक्टर बेसिकली 0.5 से लेके कम ही होता है, 0.5 से कम ही होता है। अब ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ इसको आपको ड्रॉइंग से समझाऊंगा, ज्यादा समझ में आ जाएंगे। देखो ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोल रखा, रेशियो ऑफ, देखो रेशियो ऑफ न्यूट्रल एक्सिस टू शीट थिकनेस, रेशियो ऑफ न्यूट्रल एक्सिस टू शीट थिकनेस, इसको बोलते हो के फैक्टर, ये फॉर्मूला होता है। अब के फैक्टर का जो होता है एल्यूमिनियम का, देखो के फैक्टर कितना होता है, टफ मेटेरियल है, हार्ड है, हार्ड मेटेरियल का कौन कितना होगा, देखो 0.5 से ऊपर नहीं है, तो आप जो है इसको 0.5 लेके काम कर सकते हो। जब भी आप डिजाइन बनाते हो सबसे पहले आपको सॉलिडॉक्स में काम करते हो या एनएक्स में काम करते हो, उसमें के फैक्टर डालना होता है, तो आप यहाँ पे जो है के फैक्टर 0.5 लेके आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप जो है डायग्राम बना के समझा देना और उसको एक्सप्लेन कर देना, तो बंदा जो इंटरव्यू में होंगे इतना लिख दोगे तो आपके लिए सफिशियंट है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज मिनिमम रेडियस, मिनिमम इनसाइड रेडियस ऑफ ए शीट मेटल फैब्रिकेशन, शीट मेटल का फैब्रिकेशन करते हो तो मिनिमम रेडियस कितना होना चाहिए। देखो इसमें दो तरीके से आया, एक आता है हार्ड मेटल, एक आता है आपका सॉफ्ट मेटेरियल। अगर आप हार्ड मेटल की बात करते हो, जैसे क्या होता है स्टेनलेस स्टील होते हैं, CRCA होते हैं, मिनिमम इनसाइड रेडियस होता है 0.7 × t, बट सॉफ्ट मेटल क्या होता है, इक्वल टू द शीट थिकनेस। जैसे सॉफ्ट मेटल हो गए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में हम क्या रखेंगे, इक्वल टू द शीट थिकनेस, शीट थिकनेस जितना होगा उतना ही हम जो है बैंड रेडियस रखेंगे, क्लियर है। तो ये हार्ड एंड सॉफ्ट मेटल के हिसाब से आप लिख सकते हो, ये भी इंटरव्यू में पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है आपको। नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट इज द मिनिमम रिकमेंडेड होल स्लॉट डिस्टेंस फ्रॉम ए एज, मतलब कोई एक एज है, लेट्स से ये एज है ना, ये एज है, मतलब ये वाला एज है, इसमें होल इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना है, मिनिमम डिस्टेंस होल के स्लॉट से कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 शीट थिकनेस प्लस r, r हमेशा रेडियस जो होता है ना वो ऐड करना पड़ता है,
तो वहां पे इनसाइड बेथ रेडियस प्लस 3 इंटू टी थिकनेस, ये पूछते हैं इंटरव्यू में, तीन क्वेश्चन पेपर में ये मुझे मिल गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। व्हाट इज जनरल टॉलरेंस चार्ट यूज इन शीट मेटल डिजाइन? शीट मेटल डिजाइन में हम कौन सा आईएसओ फॉलो करते हैं, कौन सा टॉलरेंस लेते हैं? आईएसओ 2768 हम यूज करते हैं एम के। ठीक है, 2768 एम के हम यूज करते हैं, ये आईएसओ होता है शीट, जब भी शीट मेटल की डिजाइन करते हो तो आप यहाँ पे आपको सारा डायमेंशन मिल जाएंगे किसका आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये भी इस इंटरव्यू में पूछते हैं, दो क्वेश्चन पेपर में मुझे इसका मिल गया है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज वाई फैक्टर, के फैक्टर वाई फैक्टर दोनों में से एक क्वेश्चन होता है, के फैक्टर ज्यादा होता है वाई फैक्टर कम होता है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है के फैक्टर इंटू पाई बाई टू। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ के फैक्टर 0.5, के फैक्टर भी सेम होता है वाई फैक्टर भी सेम होता है, यूज टू कैलकुलेट द शीट मेटल फ्लैट लाइन। अब इसको करने के लिए अब जो है यहाँ पे ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने दे रखा हो, ये डायग्राम भी अगर बना देते हो साथ में तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज करते हैं शीट मेटल की फ्लैट लाइन को कैलकुलेट करने के लिए हम काम करते हैं, फॉर्मूला आपको पता है, ये फॉर्मूला मैं लिख रखा हो, ए का वैल्यू निकालने के लिए ये के फैक्टर का हमने यहाँ पे भी वैल्यू दे रखा है, तो उस फॉर्मूला के डाल के फैक्टर भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, वॉट इज बैंड अलाउंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बार आए क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना है, बहुत जरूरी है, मिस मत करना एक भी क्वेश्चन, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज बैंड अलाउंस, बैंड अलाउंस इज द आर्क लेंथ, बैंड अलाउंस इज द आर्क लेंथ, ठीक है, इज द आर्क लेंथ ऑफ ए बैंड एज मेजर अलोंग विद द न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस के साथ हम मेजर करते हैं किसी मेटेरियल की, तो यहाँ पे जो बैंड अलाउंस होती है इसका फॉर्मूला होते हैं बी ए, मतलब बैंड अलाउंस ए होता है आपके एंगल पाई बाई 180 आर होगा, रेडियस अभी इनसाइड रेडियस होता है, ये आपका के फैक्टर हो गया, ठीक है, कांस्टेंट होता है, टी कितना हो गया आपका मेटेरियल थिकनेस होगी, तो इस फॉर्मूला में आपका अगर 90 डिग्री का मान लो, जैसे मैंने यहाँ पे एक डाल रखा है, नाइन आर मेरा कितना है 0.25 रेडियस है, ठीक है, टी मेरा थिकनेस है 0.125, इसको अगर वैल्यू डाल के यहाँ पे देखोगे ना तो अप्रोक्सीमेटली आपका इतना ही 0.49 के आसपास आपका निकल के आएंगे। ठीक है, तो ये चीजें 90 डिग्री के लिए मैं बना रखा हूँ, अगर इसको अगर करके दिखना है या इस वाले फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो या ये वाला फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो, इसमें आपको के चाहिए। ठीक है, जो कॉन्स्टेंट होते हैं वो कॉन्स्टेंट आपको वैल्यू डालना पड़ेगा, बाकी सारा चीजें सेम आएगा आपका। ठीक है, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको भी। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ शीट मेटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, तो आपको टेक्निकल राउंड में नहीं, ये क्वेश्चंस तो आपको एचआर वाले पूछ लेंगे, जो एचआर होता है ना ये पूछ लेंगे, टेक्निकल वाले तो आपको इतना डीप में पूछेंगे ना, ये तो एचआर वाले पूछ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले शीट मेटल की जो आती है स्प्रिंग बैक, ये किसमें स्प्रिंग बैक किसमें आती है, ड्रॉ टूल में आती है, टैंपिंग टूल में आती है, स्प्रिंग बैक होता है, जैसे ये देखो है ना, यहाँ पे स्प्रिंग बैक होगा इतना वाला एरिया, ओरिजिनल पार्ट ये है, ये स्प्रिंग बैक होता है, स्प्रिंग बैक को हम इलिमिनेट करने के लिए रिस्ट्राइकिंग टूल बनाते हैं। अब रिस्ट्राइकिंग टूल क्या है आपको नहीं पता, पहला वाला जाके वीडियो देख लो, मैं जो टूल डिजाइन सिखाता हूँ उसमें भी रिस्ट्राइकिंग टूल सिखाता हूँ, स्प्रिंग बैक कितना परसेंट होता है ये सिखाता हूँ, ये सब चीजें सीखना है तो नंबर मेंशन है वहां पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। रैंकलिंग क्या होता है, रैंकलिंग देखोगे आप, ये जो ये वाला है रैंकलिंग में आ रही है ना, दूसरी बात आती है क्रैक नियर द क्रैक, तो यहाँ पे देखोगे क्रैक आ रही है मेरा। ठीक है, थिनिंग, थिनिंग यहाँ पे आप देखोगे पतली हो जा रही, थिनिंग मेरा जो है यहाँ पे आपको देखाऊंगा मैं, पतली हो जाता है कंपोनेंट आते आते ऊपर जो होता है पतला हो जाता है। टियरिंग, जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे टियरिंग हो रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट कैसा हो रहा है, अर्डिंग, नेकिंग, तो ये सारा चीजें ना शीट मेटल के डिफेक्ट्स है, मिनिमम आपको 5 से 6 डिफेक्ट आपको आना चाहिए, ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप एक्सर वाले ही पूछ लेंगे, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये जितना भी चीजें बता रहा हूँ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको देखोगे ना उसके बाद आपको अलग से करने वाला कोई नहीं, मेरा 2 वीडियो देख के जाओ और कहीं कुछ देखने का जरूरत नहीं, आपका इंटरव्यू 101% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात जाते हैं हम, व्हाट इज बैंड रिलीफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछते रहते हैं, बैंड रिलीफ हम क्यों डालते हैं, बैंड रिलीफ हम इसीलिए डालते हैं कभी भी हम अगर इसमें बैंड रिलीफ नहीं जाएंगे, यहाँ पे बैंड करते हैं ना तो यहाँ पे टियरिंग होने का चांस है। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या होता है रिलीफ हो जाएगा या टियरिंग हो जाएगा यहाँ पे, तो इसके लिए हम यहाँ पे बैंड रिलीफ डालते हैं। ठीक है, तो वन है शीट मेटल पार्ट, मैक्स से ट्रांजेक्शन, मतलब मैक्स से ट्रांजेक्शन मतलब यहाँ से ट्रांजिट हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम ए बैंड, इस बैंड से ये ट्रांजिट हो रहा है। ठीक है, टू ए फ्लैट सर्फेस, आइदर इट विल बी फ्लैट सर्फेस और अनदर बैंड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इट टेंड टू रिप और टियर, मतलब इस एरिया में देखो यहाँ पे है, इस जगह में ना नॉट रिकमेंडेड, यहाँ पे क्रैक हो सकता है, यहाँ पे क्रैक हो सकता है, टियर हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जो है ना यहाँ पे बैंड रिलीफ हम ऐड करते हैं। अब इसकी डब्ल्यू क्या है,
डिस्टेंस कितना है, एल कितना है, उसको कैसे डिसाइड करोगे, ये फॉर्मूला होता है। देखो मैंने आपको बताया एक चीज बैन रिलीफ पन्ने से नहीं होगा, उसकी फॉर्मूला भी आपको रख के जाना है, फॉर्मूला भी लिख के दोगे ना वहां पे, तो ये होता है डेप। बंदा सोचेंगे इसको बहुत डीप नॉलेज है, आपको बैन रिलीफ पता है, आपके साथ तीन लोग बैठा हुआ उनको भी बैन रिलीफ पता है, लेकिन आप जब ये डेप्थ ऑफ बैन रिलीफ लिखोगे, वाइड ऑफ बैन रिलीफ लिखोगे ना, आपका सिलेक्शन होगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको, उनका नहीं होगा, क्योंकि आपने दो स्टेप अलग से लिख किया है, तो आपका सेंस बहुत ज्यादा है होने का सेंस, ठीक है। तो इसीलिए एक के साथ में दो तीन एक्स्ट्रा चीजें डाल रहा हूँ और यहाँ पे फोटो से दिखा रहा हूँ कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। डेप्थ ऑफ बैन रिलीफ क्या है, यहाँ पे देख पा रहो है ना, लेस देन इक्वल टू इंटू थ्री थिकनेस प्लस बैन रेडियस, वाइड ऑफ बैन रिलीफ के लेस देन इक्वल, ठीक है, क्या है, थिकनेस प्लस बैन रेडियस है, तो ठीक है। तो इसको आप ध्यान रख लेना कहाँ पे लेस देन इक्वल करना है और कहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल करना है, ये चीजें आपको देख लेना है, ठीक है, कहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल करना है और कहाँ पे ये लेस देन इक्वल करना है, ये ध्यान से देखना है, ये सिंबल यूज कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम आता है व्हाट इज डबल पिन, ऑलरेडी आया है, डबल पिन क्या होता है ना, हाई कार्बन स्टील का हम यूज करते हैं, अच्छा मेटल होती है, ये दो कंपोनेंट के बीच में, दो कंपोनेंट नहीं बोल सकते, दो प्लेट के बीच में प्रॉपर अलाइनमेंट करते हैं और जहां पे रोटेशन होता है ना उसको लॉक कर देता है, ये प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं। बहुत कुछ चीजें जो है पॉलिशिंग के लिए भी यूज करते हैं, बहुत अगर असेंबली है उसको एक साथ पॉलिशिंग के लिए भी डबल पिन यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पे मेंटेनिंग द प्रॉपर अलाइनमेंट एंड रिटेक्ट द रोटेशन ऑफ एनी प्लेट, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, ठीक है। डबल पिन का फोटो डाल रखा है कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाए, ठीक है। उसके बाद आते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रे इन द डायरेक्शन ऑफ शीट मेटल बेंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन मिल गया मुझे ये, ठीक है। देखो कहीं पे अगर आप बेंडिंग कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप कहीं पे अगर आप बेंडिंग कर रहे हो, ठीक है, कहीं पे हम इसको बेंडिंग करते हैं, ग्रेन, देखो बेंडिंग विद ग्रेन, व्हेन द बेंड इज पैरेलल टू द ग्रेन डायरेक्शन रिजल्ट इन क्रैकिंग, बेंडिंग अक्रॉस व्हेन द बेंड इज परपेंडिकुलर टू द ग्रेन्स, देखो यहाँ पे जो ग्रेन्स है ना, यहाँ पे जो ग्रेन्स है ना, ये पैरेलल है, ये बेंडिंग की पैरेलल है, यहाँ पे क्रैकिंग हो सकता है, और ये जो बेंडिंग है ना, ये जो परपेंडिकुलर टू द है, परपेंडिकुलर हुआ माने अगर परपेंडिकुलर होगा तो मतलब क्या होगा, अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, स्ट्रोंगर बोन्ड है, स्ट्रोंगर बोन्ड है, और यहाँ पे अगर पैरेलल है तो इसमें क्रैक हो सकता है, तो ये होता है इफेक्ट्स। व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ ग्रेन्स, इफेक्ट्स ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स कहाँ से होता है, जब शीट मेटल को आप रोलिंग करते हो ना, तो उस टाइम की ये ग्रेन्स होती है, डायरेक्शन ऑफ शीट मेटल बेंडिंग, हमेशा जब शीट मेटल बेंडिंग करते हो उसका परपेंडिकुलर टू द ग्रेन्स होना चाहिए, क्लियर है, ड्रॉइंग से समझा रहा हूँ कि बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट इज द सरफेस कोटिंग प्रोसेस इन शीट मेटल, सरफेस कोटिंग प्रोसेस क्या होता है शीट मेटल में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपको मैंने यहाँ पे दो तीन जो है डायग्राम दे रखा हो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहले आते हैं आपका गैल्वेनाइजिंग आती है, गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है, मोस्ट कॉमनली यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वॉशिंग कोटिंग होती है, रिंजिंग होती है, पिकलिंग होती है ना, रिंजिंग होती है, फिर फ्लैश सॉल्यूशन होती है, फिर मोल्टन जिंक बेड में डाल के इसको कोटिंग करके हम सुखाते हैं, ठीक है, कूलिंग करवा देते हैं, तो ये होता है आपकी गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता क्या है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है उसमें होता क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होती है, एक तरीके से जो है कोरोशन को हटाने के लिए काम आता है, बहुत ही अच्छा ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाता है, हर एक जो मेटेरियल जो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ना उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। उसके बाद आता है पाउडर कोटिंग, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे पाउडर कोटिंग होती है, पेन कोटिंग होती है, पेन से कोटिंग करते हैं, फिर हम करते हैं एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग क्या होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है, इसमें अलग अलग कलर का अलग अलग, आप जैसे आप शीट मेटल देखते हो अलग अलग कलर में चमकता रहता है, वो बेसिकली एनोडाइजिंग करते हैं, उसमें क्या होता है ड्यूरेबल होता है, डेकोरेटिव आइटम में हम इसको लगाते हैं, कलर एजेंट वगैरह हम अच्छे से ऐड कर सकते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, एनोडिक ऑक्साइड फिनिश होता है इसमें, ठीक है, उसमें क्या होता है एनोडिक ऑक्साइड मतलब उसमें स्मूथ फिनिश मिलता है, सरफेस फिनिश जो स्मूथ होता है, तो ये सारा प्रोसेस होती है जो आपको इंटरव्यू में पूछते हैं। हम उसमें बाद नेक्स्ट में आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट में हम आते हैं व्हाट इज द कॉमनली यूज शीट मेटल असेंबली प्रोसेस, हाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शीट मेटल को असेंबली करते हो ना, शीट मेटल बनाने से नहीं होगा, एक पार्ट को दूसरे पार्ट में असेंबली करना पड़ेगा, तो वो कॉमनली यूज मेथड क्या है, प्रोसेस क्या है जो हम शीट मेटल में यूज करते हैं। देखो सबसे पहले जो होता है हम टंग और ग्रुप से यूज करते हैं, ठीक है, टंग और ग्रुप से हम यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट हम स्टच और की से यूज करते हैं, ठीक है, स्टार और की हम की होल यूज करते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम हेम से करते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं हेम से कर रखा हूँ, दूसरा हम करते हैं क्लिनसिंग से, ये हम जो है आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो ये देख रहे हो ना, ये जो है ये क्लिनसिंग से करते हैं, उसके बाद टैप्स एंड होल से करते हैं, स्लॉट से करते हैं, जैसे आप स्लॉट से कर रहे हैं, मैं यहाँ पे स्लॉट से कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद स्नैप स्पीड से करते हैं, स्नैप स्पीड आपको पता ही है, ये सारा तरीका है, उसमें से चार पांच आपको रट लेना है, ठीक है।
मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ, अगर मेरा ये दोनों वीडियो आपने देख लिए उसके बाद आपको अलग से वीडियो नहीं देखना है, आपका सारा चीजें क्लियर हो जाएगा। जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, नंबर मेंशन दे, आप वहां पे जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अगर कर लेते हो तो बहुत सारा चीजें आपको सोल्यूशन आ जाएंगे। फिर भी अगर किसी चीज को अगर पूछना है आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, किसी से भी बात करना है बात कर सकते हो, ट्रेनिंग के लिए अगर पूछना होगा आप पूछ सकते हो, सिलेबस वगैरह सही नंबर मेंशन थे वहां पे जाके आप सिलेबस वगैरह ले सकते हो। ठीक है, जो भी कोर्सेज होता है आपकी कंपनी ओरिएंटेड होता है, सारा चीजें मैं कंपनी लेवल में कराता हूँ, जो भी चीजें कराऊंगा प्रैक्टिकल कराऊंगा, ऐसे नहीं है आपको जो भी टूल करा रहा हूँ टूल के साथ आप फोटो भी देखोगे बनने के बाद, ये टूल है इस टूल के साथ ये फोटो भी है बन के हुए जो कॉम्पोनेंट है। ठीक है, आजकल बहुत चीजें बनाना ईजी है लेकिन बनने की बाद जो प्रॉब्लम आती है उसको ठीक करना ही जो है अच्छा डिजाइनर बनता है। या आप डेवलपमेंट पे हो, ट्रायल करा रहे हो टूल की, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, जो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो ना तभी आपकी सैलरी बढ़ेंगे। ठीक है, बनाने में तो आप ऐसे वैसे कोई भी बना देंगे लेकिन जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको नहीं आना, सही तरीके से बनाना ही डिजाइनर करता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, किसी को भी कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, आपको सारा चीज़ें समझ में आएगी, नहीं समझ में आते तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज का वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।